باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم جوزا وقال مجاهد رحمه الله تعالى القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة ناصر الأحاديث النبوية ناشر المواريث المحمدية أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق الله العظيم. میرے بھائیو ایک مختصر سا جلسہ ہے بظاہر جس کی کوئی اخبارات میں کوریج بھی نہیں ہوگی ٹیلی ویژن وغیرہ تو خیر انہوں نے تو کیا لینا ہے لیکن اللہ کے ہاں اگر ہم لوگ پورے ادب کے ساتھ اور یہ سمجھ کر کہ یہ آقا نامدار حضور پرنور سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ارشادات کی تعظیم میں ہم یہاں بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بفضل اللہ و توفیق ہی جب یہ تمہارا بیٹھنا قیامت کے دن تلے گا تو پھر احساس ہوگا کہ ہمیں اللہ نے کتنا بہت کرم نوازی کا معاملہ فرمایا. میرے بھائیو ایک درخواست کروں گا, میں کوئی بڑا خطیب یا بہت بڑا واعظ نہیں ہوں, میں تو ایک اساتذہ قدس اللہ وسرہ رہوں, جیسے یہاں استاد مکرم مولانا عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف لایا کرتے تھے, اگر وہ موجود ہوتے تو ان کی موجودگی میں تو بہت ہی ادنا قسم کا میں ایک مدرس. اب وہ سارے چلے گئے ہیں تو حضرت درخواست فرمایا کرتے تھے کبرانی موت الکبرا, بڑے چلے گئے اب بڑوں کی بات ہم اس جگہ پر ہمیں لوگ بڑا سمجھنے لگ گئے, وہ واقعتاً بڑے تھے اور ہمیں خوش فہمی میں اس نسل میں یہ ہمارے عزیز مولانا عبد الرحیم صاحب, یہ ہمارے عزیز مولانا مسرور احمد صاحب, اللہ نام کی طرح ان کو انجام کے اعتبار سے بھی مسرور ہی رکھے ہمیشہ, اور آپ سب حضرات کو اس مل بیٹھنے کا پر اللہ بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث بنائے. بس یہ درخواست ہے کہ میں زیادہ بول نہیں سکتا, میری گردن کے مہرے بڑے متاثر ہیں, اللہ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے, یہ میرے جیسے کم علم اور کم فکر کو یہاں انہوں نے بٹھا دیا,
और मैं इंतहाई शर्मिंदा कि हमारे जैसी ये नापाक जुबान आका नामदार जैसे पाक पाकों के पाक उनके पाकीज़ा कलिमात को अपनी ज़ुबान से कैसे अदा करेंगे। और कहने वाला ने यकीन जानो सच कहा था कि हज़ार बार बिछोयम दहन पर मुश्क गुलाब हिनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको इतना पाकीज़ा बनाया है, इतना पाकीज़ा बनाया है कि अगर मैं अपनी ज़ुबान को 1000 मरतबा कस्तूरी और गुलाब से भी धो डालूंगा तो मुझे शर्म आ रहा है कि मैं फिर भी आपका पाक नाम कैसे लूँ। मेरे भाइयों, हकीकत यह है कि ये खुद अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उन्हें हमें आका इनामदार हुजूर पुर नूर के उम्मती होने का शर्फ बख्शा। और मैं कैसे आप हजरात को बतलाऊँ, भाई मेरी तरफ देखिए आप, देखिए बड़े से बड़ा भी कोई दुनिया में खैर कौन बड़ा होता है बेचारा, ऐसे ही उमूमी एतबार से बड़ा कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ वज़ीर आज़म है, सदर साहब हैं, कमांडर इन चीफ हैं, चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट हैं, ये और अल्लाह का फजल है मुसलमान हैं भी, तो इस एतबार से बहरहाल उनके कलमा पढ़ने की बुनियाद पर हम उसने जन रखते हैं वो बड़े हैं और हमें एहतराम करना चाहिए। अल्लाह उनको भी काबिल एहतराम ही बनाए अपने फरमान पर सही अमल करके, आका इनामदार की सही इताअत करके और खल्क खुदा की पूरी खिदमत करके अल्लाह उनको भी पाकीज़ा ही बनाए। कोई भी बात करते हैं तो कभी भी उनके बयान के बाद कभी किसी ने या उन्होंने खुद कभी भी नहीं कहा कि भाई मैं सच कह रहा हूँ। कभी भी आज जिनको पूजा जा रहा है बज़ाहिर, हालांकि वो नजस हैं, पलीद हैं, अमेरिका का सदर है, यूरोप के लोग हैं, अल्लाह उनको ईमान नसीब फरमाए तो हम उनके जूते सीधे करने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि उन्होंने मोहम्मद रसूलल्लाह के जूते सीधे किए। तो वो भी अगर कोई बहुत बड़ी बात भी कर दें तो कोई नहीं कहता कि नहीं वो सच कह रहा है। लेकिन देखो छोटे से छोटे बच्चा भी अगर कुरान पाक पढ़ेगा या नबी पाक की हदीस पढ़ेगा तो लाजमन कहेगा सदक अल्लाह मौलाना अज़ीम व सदक रसूल नबी करीम। क्योंकि हकीकत यह है कि सच है ही वही जो अल्लाह के कलाम में है और सच है ही वही जो मोहम्मद रसूलल्लाह की ज़ुबान में। सुभान अल्लाह, काश के यही अकीदा हमारे जहन में आ जाए और हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को उसी अंदाज में सच समझें कि जिस अंदाज में अहले इल्म मुसलमान तो अल्लाह के फजल व तौफीक से वो सच समझते ही हैं। लेकिन हकीकत ये है, उलमा तशरीफ़ फरमा है, मैं बुखारी शरीफ के मुतल्लिक कोई बात नहीं करूँगा, वो मौलाना ने अपने तालिबे इल्मों को, क्योंकि अवाम का मजमा है, अगर फ़कत उलमा होते तो मैं उलमा की बात कुछ नकल करता ना के लिए हूँ, पर मैं तो समझ लो कि मेरी क्या हैसियत है उन लोगों के मुकाबले में। लेकिन चूँकि अवाम हजरात भी तशरीफ़ फरमा है तो ऐसी उमूमी बात कि जैसे अल्लाह हमें अपने करीब फरमा ले और अल्लाह हमें मोहम्मद रसूलल्लाह के करीब फरमा ले तो ये बहुत बड़ी हमारी सआदत हो। और बाज़ो नसीहत हकीकत यह है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें कोई अकड़ जाए भी मैं कोई बहुत बड़ा खतीब हूँ और मैं जनाब बहुत, मैंने हज़रत इमाम लाहौरी रहमतुल्लाह ताला से मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह ताला, यहाँ शायद उनमें देखने वालों को शायद कोई हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज़्यारत नसीब हुई है और बैत का शर्फ भी हासिल हुआ है। हज़रत अमीर शरीयत का दस अल्लाह वसरा रहूँ उनकी ज़्यारत भी की है और भी बड़े अकाबिर अल्हम्दुलिल्लाह उनको मौका मिला है। तो और हालांकि आप जानते हैं कि हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह ताला को अल्लाह पाक ने कश्फ की कैफियत ऐसी अता फरमाई थी और ख़ुद हमने भी देखा कि वो ये तक कभी कभी अल्लाह पाक उनके खोल देते थे कि भाई
हमारे भाई ने ये जोड़ा पहना हुआ है, इस जोड़े को जब दर्जी ने सिया था तो वो वजू में था या बगैर वजू के था। और ये एक दिल की रोशनी होती है, ये कोई इल्म गैब नहीं है। इल्म गैब वो हुआ करता है जो असबाब के अलावा बगैर किसी भी सबब को इस्तेमाल किए कोई इंसान वो हासिल कर ले, उसको इल्म गैब के। और ये सिवाय अल्लाह के किसी की भी शान। उलूम गैब अल्लाह ने नबी पाक को भी अता फरमाए, लेकिन वो आलमुल गैब नहीं है। उलूम गैब है उनके पास क्योंकि वो अल्लाह ने अता फरमाया, तो जब अल्लाह ने अता फरमा दिया तो सबब बन गया ना। एक अल्लाह की ज़ात आली है कि जिनके सब उलूम बगैर किसी सबब के उनके पास हैं। तो खैर, जैसे आप गाड़ी पर जा रहे हैं और लंबी आपकी सड़क है और आपकी गाड़ी पर आगे शीशा लगा हुआ है, तो उस शीशे में पीछे कई मील दूर आती हुई गाड़ी भी नज़र आ जाती है, तो वो ये नहीं कह सकता कि हाँ भी ड्राइवर साहब बड़े आलमुल गैब हैं, यार देखो उनको ये भी पता चल रहा है कि पीछे कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं। वो एक शीशा है। तो इसी तरह अहले इल्म का एक दिल वाला शीशा होता है, तो उस दिल के शीशे पर बार दफ़ा लोहे महफूज का अक्स भी पड़ जाता है, तो वो उनका बतला देना वो इल्म गैब नहीं होता। वो इल्म गैब वो तो अल्लाह पाक ने उस शीशे पर अक्स डाल दिया। वरना आपने सुना शेख सादी रहमतुल्लाह तआला ने भी वाकया, और वैसे हदीस में भी आता है कि हजरत याकूब अला नबीन अलैहिस्सलात व तस्लीमात रो 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 के बेटा, और बेटा भी नबी, बल्कि ये शर्फ शायद किसी को मिला हो जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिला। उलमा हजरात ने पढ़ा है हदीस मुबारक में कि मन अक्रम नास या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह अक्रम कौन होता है, बड़े करम वाले। तो उनमें से एक जवाब यह भी है कि अल करीम अबनुल करीम अबनुल करीम अबनुल करीम यूसुफ अबनु याकूब अबनु इसहाक अबनु इब्राहीम, ये जो खुद भी करीम, बाप भी करीम, दादा भी करीम, परदादा भी करीम। तो वो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम वालिद, सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम नबी हैं, उनके वालिद सैयदना इसहाक अला नबीन अलैहिस्सलाम नबी हैं, और सैयदना इब्राहीम तो नबियों के नबी। तो बैठे बैठे अचानक इतनी लाजद रही है यूसुफ लौलान तो फन दो हंस रहे हैं, तो जैसे अरबी में है, उनकी ज़ुबान तो इबरानी या सुरयानी थी, हमें नहीं आती हो। तो बैठने वाले बैठे अजाक अल्लाह उसी ने कहा अल्लाह आपको हंसाए रखे, खैर है, सारी ज़िंदगी गमगीन और रोते रहे हैं, आज हंसते क्यों हैं। उन्होंने कहा मुझे प्यारे यूसुफ की खुशबू आ रही है। अल्लाह, कई साल गुजर गए, पता नहीं वो कहाँ गए, कैसे होंगे। कहते मुझे इन्नी लाजदुरी है यूसुफ, मुझे प्यारे यूसुफ की खुशबू आ रही है। लौलान तो फन दून, खतरा यही है कि तुम मुझे पागल कहोगे, ये बाबा जी पागल हो गए ने, इतने साल हो गए रो 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 के, रो 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 के। आज अल्लाह की शान, आने वाला आ गया, उसने कुर्ता दिया आंखों पर, तो जो थोड़ी बिनाई में हल्की सी कमजोरी आई थी, बात कहते हैं नाबीना हो गए थे, नहीं, अल्लाह अपने नबी को ऐसा कोई ऐब भी हरगिज़ नहीं देते कि जिसमें नबी की अजमत में कोई थोड़ा सा भी फर्क आता है। क्योंकि नबी हर ज़माने का आका इनामदार का तो आपको पता है, वैसे भी हर हर सिफत में। कोई इधर कोई औरतें हैं क्या है, बच्चे खेल रहे हैं। तो हर हर सिफत में अल्लाह का नबी कामिल होता है, लेकिन ज़ाहरी ताकत के एतबार से, इल्म के एतबार से, और हुस्न व जमाल के एतबार से, और अकल और ज़हीन होने के एतबार से, मेरी तरफ देखो भाई जान, कोई भी अल्लाह के नबी का मुकाबला नहीं कर सकता। वरना आपको पता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, फलमन सरफा, जब फारे हुए तो पता नहीं हजरत उसैद इब्न हुज़ैर हैं या अब्बाद इब्न बिश्र हैं, ये दोनों हैं, कदाल इधर आओ, सामने आ गए, किबला ये हमारे यहाँ इधर ही है ना, हाँ इधर किबला है, तो वहाँ हरमैन शरीफ में किबला इस तरफ होता है, हाँ जी, तो वहाँ ताल है इधर, माफाल तो माल, ये तुमने क्या किया,
رسول اللہ وہ کیا کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو تم دروازے سے آئے ہو اور آتے ہی وہاں اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلتے چلتے آ کر کئی صفیں کراس کر کے تم نماز میں شریک ہو گئے. ان کا یا رسول اللہ وہ کیا بتلائیں جب مسجد نبی اللہ آپ کو اور ہمیں بار بار ایمان اور ادب کے ساتھ لے جائے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ نے دنیا کی کیا لطف و لذت وہاں رکھا ہے. تو یا رسول اللہ ہم دروازے میں آئے تو ادھر نماز ادھر تم پہلے کھڑی ہو گئی تھی تو آپ رکوع میں چلے گئے, تو ہم نے سوچا کہ جاتے جاتے کہیں نبی پاک اٹھ نہ کھڑے ہوں, تو اللہ کے نبی کے رکوع میں یہی شریف ہو جاتے ہیں اور ہم نے وہیں سے اللہ اکبر کرنے نیچے ہو کر پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے آگے مل گئے. تو ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی کے کسی بھی عبادت میں ہم کہیں محروم نہ رہ جائیں. نبی پاک جب پڑھیں گے سبحان ربی العظیم تو وہ تو نے اللہ نے قبول کرنا ہی کرنا ہے, تو جب ہم بھی شامل ہو گئے تو پھر اللہ ہمارا بھی قبول کرے گا. ہم اس لیے وہیں رکوع کر کے آتے رہیں کہ یا رسول اللہ کیف رأیتم, آپ نے ہمیں دیکھ کیسے لیا. تو سبحان اللہ, وہاں آقا فرماتے ہیں کہ اترونا ان یکفا علی رکوعکم وسجودکم, جب میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جو پیچھے کھڑے ہو تو تمہارا رکوع سجدہ میرے پر مخفی ہوتا ہے. نہیں اللہ کی قسم, نماز کے دوران میں میں جیسے آگے دیکھ رہا ہوں تو پیچھے بھی میں دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. اب یہ سوائے اللہ کے نبی کے یہ چیز کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا. ایک ہے پہ آگے شیشہ لگا ہوا ہے جیسے, تو شیشے میں سکرین میں پیچھے نظر آ رہے ہیں جیسے آج کل مسجدوں میں ایسا وہ کبھی ہوتا ہے, وہ الگ بات. وہاں شیشے بھی شیشہ تو کیا, وہاں تو جلانے کو چراغ کوئی نہیں ہوتا تھا. سب سے پہلے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چراغ جلایا وہاں. خیر, تو وہاں فرمایا میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں, یہ اللہ کے نبی کی شان. ورنہ کسی بھی انسان کو کہ پیچھے بھی دیکھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہی حال طاقت کا تشریف فرما ہے اور ایک شخص آ جاتا ہے کہتے یا محمد مسلمان تو ہے نا, ورنہ رسول اللہ سم کو نام سے پکارنا بالکل صحیح نہیں ہے. جب کوئی پکارتا تو صحابہ یقین کرتے کہ یہ مسلمان نہیں ہے اور یہ کوئی جنگلی ہے, کوئی جب آیا دیہات سے بیچارہ سیدھا سادھا. اور دیہاتیوں کا آپ کو پتہ کہ وہ بیچارے ان کا عجیب و غریب قسم کا. ہمارا گاؤں ہوتا تھا یہاں یہ کتال پور سے آگے کر کے کونسل گانا, پھر کونسل گانے کے آگے خود پر سندھا یہاں پہ دیش ہے میرے, وہ تو اب گر کر گیا. یہاں سے ادھر سے دریا راوی آ رہا ہے, ادھر سے چناب تو گر کے خراب. کونسل گانا بھی دو دفعہ گر کے اب تیسری دفعہ بنا ہوا. تو وہاں مجھے یاد ہے آخری بیان وہاں حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہوا. اور ہم سکول پڑھتے تھے, فاروق مہاجر ہوتا تھا اس کا لدھیانے کا, تو اس نے مجھے کہا یار سنا ہے پیچھ امیر عطا اللہ شاہ بخاری ہیں, ہم نے زیارت کبھی نہیں کی تھی, تو سکول کے دوران میں ہم وہاں عصر کے وقت چلے 48 کلومیٹر پیدل سفر کر کے ہم وہاں. ایک لطف تھا اللہ والوں کا, اور پتہ نہیں یہ برکتیں انہی کی ہیں جو آج ہم میرے جیسا جاہل آپ لوگوں کے سامنے ان کی نظر صحبت تھی اور اللہ تعالیٰ نے بخشا تھا. تو انہوں نے اب ہم پہلے پہنچے, انہوں نے آنا تھا تو گھوڑوں پر سوار انہوں نے دریا کراس کرنا تھا. درمیان کے اندر باگڑ سرگانا آتا ہے, باگڑ سرگانا میں جو جتنے سرگانے ہیں وہ سارے اہل سنت والجماعت تھے. تو وہاں امیر شریعت کے چونکہ سارے مرید تھے تو امیر شریعت کو انہوں نے روک لیا. مجھے یاد ہے کہ وہاں وہ کھانا کھا رہے تھے, تو ذمہ دار آدمی تھے, انہوں نے شہد بھی مکھن بھی تازہ انڈے بھی, تو جو ہمارے دیہات میں دعوت دینے والا ان کا تھا وہ حاجی دوست محمد لوہار تھا بیچارہ, بہت ہی غریب قسم کا. آج مولوی غریبوں کے کہنے پر کہاں آتے. تو وہ اس غریب نے کہیں ان سے درخواست کی تو حضرت امیر شریعت, حضرت مولانا محمد علی جلندری, حضرت مولانا لال حسین صاحب اختر, خان محمد صاحب کمتر اور حضرت مولانا قوس, یہ بڑی اس وقت جوانی میں تھا, یہ سارے اکٹھے آ رہے ہیں تو ناشتہ کر رہے ہیں. تو وہ حاجی دوست محمد صاحب بیچارہ وہ بھی پیدل آیا وہاں گھر سے, 7 کلومیٹر دور تھا دریا عبور کر کے. اب وہ ناشتہ کر رہے ہیں تو وہ بیٹھا حیرانگی سے دیکھ رہا. تو حاجی قاسم صاحب مرحوم ہوتے تھے, حاجی شوق محمد صاحب, یہ سارے بندیا شریف سے بیت تھے اور امیر شریعت کے ساتھ بہت تعلق تھا ان کا. تو وہ حاجی قاسم صاحب پوچھتے ہیں حاجی دوست محمد
जो यहाँ की जुबान है। हाजी दोस्त उनका हरियाणा क्यों बैठा है? अब वो बेचारा देहाती, अब ये उसकी कदर मंजिलत देखो भाई। वो कहते यार हरियाणा इसलिए बैठा, इस वास्ते बैठा भाई मैं अपने घर के कुकड़ पका रखी है, तो मैं उत्थे देसी घी नाल पका रखी है, ये तुसा जिमीदार सारा कुछ जने इत शाह साहब न खवाई बैठे हो, तो मेरे को जाके ठोठ खा सन गया। ये उनका अदब हो रहा। अल्लाह अब कोई मेरे जैसा होता तो मैं बड़ा कमीना घटिया, क्या कहना शाह साहब। हजरत मौलाना जलंधरी के चेहरे पर भी थोड़ा सा गुस्सा आया और मौलाना तोसी पर भी, कि क्या क्या अदबिए हैं वो तोसे वाली बोली बोलते थे। खैर अमीर रशीद ने कहा नहीं हाजी साहब घबराओ नहीं, मैं उत्ते तुहाडे कोल ठोठ नहीं खांदा, मैं तुहाडे कोल ओठ खा सकदा। तो वो बेचारे देहातियों का मामला ऐसे ही होता है, वो समझते हैं कि और क्या तुम्हें सुना यकीन जानिए। तो मौलाना तोसी साहब थे जवान, एक हमारा हाजी मोहम्मद यार होता था बेचारा, बहुत ही सीधा सादा साधा, तो वो मिलना चाहता था और मौलाना तेज तेज जा रहे थे। ये बेचारा भाग के बूढ़ा था जो पीछे से, तो वो तो इन्होंने क्या किया पीछे से ही सलाम शुरू कर दी, तो चादर जो उठाई तो चादर हजरत की थोड़ी ऊपर तक चली। अब मौलाना तौसी कहते हैं तेरी शर्म नहीं आंदा, इन्हें भी नींदा है? तो फरमाया तू ही किदाई हथे आवे तो मैं तुम्हें मिलना जा। तो बेचारे देहाती लोगों का इसी अंदाज का होता था। तो आके नामदार का हुजूर पुरनूर जब कोई ऐसे आदमी होते तो खुद समझ जाते, तो रसूल रसम को या मोहम्मद कहकर कोई नहीं बुलाता था, या रसूल अल्लाह करके बुलाते, या नबी अल्लाह करके बुलाते। अब वो आता है और वो कहते हैं या मोहम्मद इन्ना का तजा मन का रसूल अल्लाह, तेरा दावा है तो अल्लाह का रसूल है। रसूल ने फरमाया अशहदुअन्नी रसूलल्लाह, दावा का क्या माना, मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ हल्फिया तौर पर कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल। अच्छा कहते इदा अंत सादिकुन फी ज़ामिका फसारे ने, अगर तू वाकईतन सच्चा नबी है तो आ मेरे नाल कुश्ती कर। तो तेरा सच्चा नाज वे अब नबूवत का कुश्ती के साथ कहता है। अब मेरे से कोई पूछे मौलाना अब्दुल रहीम साहब या हमारे मसरूर साहब पूछें या हजरत शिरानी साहब कि हाँ जी आप क्या पढ़ाते हैं, मैं कहूँ जी बुखारी शरीफ, ना कि अच्छा बुखारी पढ़े ना तो आप कुश्ती कर, भाई बुखारी शरीफ तो कुश्ती नाल क्या कर लो। अब साहबा बड़े हैरान हुए, भाई बड़ा ये था बड़ा पहलवान रुकाना नामी, और उसके साथ कोई भी कभी मुकाबला नहीं कर सकता, वो फकत मुकाबलों की निगरानी करता और फैसला करता। हर एक को पता था कि इसके साथ कौन मुकाबला करे। हमारे यहाँ जैसे जारो पहलवान थे, बोलू पहलवान थे, पता नहीं क्या होते थे, तो वो बड़ा, तो साहबा बड़े परेशान हुए, ख़ास तौर पर हजरत फारूक आजम को आया गुस्सा कि ये कमबख्त जो है वो, तो उनका तो अदना सा गुस्सा ये होता था कि दान या रसूलल्लाह अदरब उनका हाजिल काफिर, या रसूलल्लाह इजाज़त दो मैं दरेदी गर्दम नहीं ऐसे तैसे फेरा। अब वो गुस्से हो रहे थे कि नबी पाक ने फरमाया ताल, हाँ भाई अच्छा कुश्ती करनी है आ जा। साहबा बड़े हैरान हुए, अल्लाह अकबर ये कमबख्त है अल्लाह के नबी, वो प्यारे नबी और लतीफ़ मिजाज सुबहान अल्लाह, रेशम क्या नरम होता होगा जितना आका नामदार का हाथ मुबारक नरम होते थे। तो वो आप आका भी खड़े हो गए। अब वो खुद भी हैरान हुआ, मैं तो वैसे ही धमकी देती तो इन्होंने कहाँ तैयार होना था। अब उसको आगे आना पड़ा, तो फरमाया गया अंत तुरीद तो सारे मुकाबला करना, उनका हाँ जी। तो रिवायत में आता है कि रसूलल्लाह ने ऐसे जो दो हाथ किए उठाया और लो जी पटक दिया, और पटक किया वो खुद हैरान हुआ, अभी ये क्या हो गया। नबी जी में साढ़े हाँ कहते ना भाई यार ये तो कूड़ी मुची, मैं सबले ही कोई ना मूँ, तो ना कि जो हो मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा, अब जरा दोबारा। तो अब रसूलल्लाह ने दो हाथ भी नहीं उठाए, एक ही हाथ पर लिया और उसे पटक दिया। वो सब जनाब हैरान और वो भी परेशान। तो वो कहते हैं जैसे हमारे यहाँ कहते हैं लास्ट चांस, वे आखिरी एक दफा। तो आका ने फरमाया जा अब रसूलल्लाह ने फकत दो उंगलियों उसको पटक दिया, वो खड़े होकर कहते हैं अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, ये ताकत सिवाय नबी के और किसी में नहीं। तो हकीकत यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत, नबी पाक का हुस्न जमाल और वगैरह, ये सारा कुछ बहरहाल
मैं अर्ज कर रहा था कि अब याकूब अलैहिस्सलाम कहना कि इन्नी लाजिद रही है यूसुफ, भाई मुझे प्यारे यूसुफ की खुशबू आ रही है। अच्छा बाबा जी खैर है, खैर कुर्ता आ गया, आंखों पर रखा, सुभान अल्लाह, नूर अला नूर। अब जनाब हैरान हुए, जब सारी तहकीक वाकिक हुई, साल गुजर गए, मिलने के लिए अपने बेटे के पास गए, सारा कुछ क्या हुआ तो पता चला कि जब उन्होंने भाइयों ने उनको गुम किया था और कुएं में फेंका था, वो कुआं जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रहते थे उनसे 2-3 किलोमीटर दूर। तो लोग हैरान हुए, अभी कमाल है, 3 किलोमीटर दूर पड़ा रहा है यूसुफ कई दिन, तुम्हें पता नहीं चला, और अब कई मीलों दूर उनकी कुर्ते की खुशबू से तुमने बतला दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो वहां उन्होंने शेख साथी बड़े अजीब अंदाज कहते हैं, तो उन्होंने कहा, शेर काफी लंबे हैं, आखिर ये ही है कि उन्होंने कहा, अहवाल माँ बर के जहानस गहे पैदा और दीगर दम निहानस। ओ मियाँ, हम नबियों का मामला बिजली की तरह होता है, कभी इधर कड़क रही है और थोड़ी देर के बाद इधर कड़ी है, हमें कड़क रही है तो गहे बर तारे में आला नशीनम, गहे बर पाए पुष्ट खुद नबीनम, कभी हमारे पाँव पर कोई चीज़ पड़ी होती है और हमें पता नहीं होता भी क्या है, और कभी अल्लाह के फजल करम से लोहे महफूज वाली लिखी हुई भी हम देख लिया। तो इल्म गैब असल अल्लाह के पास हुआ करता है, बस क्या करें, हम मुदर्रिस लोग हैं, वो चलते कहीं से हैं और फिर कहीं से कहीं निकल जाते हैं। तो मैं तो फकत बस तबर्रुकन हाजिर हुआ था, और इन हजरात की बरकत है कि वो कुछ, या इन शहीदों की रूहों का बरकत है भी मैं कुछ कह रहा हूँ। तो हकीकत यह है मर साहब कि आका ए नामदार हुजूर पुरनूर को कोई कहाँ पहचान पाए, हमने भी अल्लाह के नबी को कहाँ पहचाना, वरना अल्लाह के नबी को पहचाना होता तो हमारे कॉलेजों और स्कूलों में ये तालीम होती। कोई किसी को कहता है, और आपको पता है, आपके शायद यहाँ भी आपने देखा होगा, डॉन के अंदर भी, ये अंग्रेजी का अखबार है, डॉन के अंदर भी छपे, वैसे अल जजीरा वगैरह मैंने तो सऊदी अरब में देखा था, तो वहाँ छपा कि सर्वे हुआ कि दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी चीज है जो हमेशा बार बार दोहराई जाती है। तो उन्होंने सर्वे में, यहूदियों ने यही लिखा कि दुनिया के अंदर पता नहीं 22 करोड़ से ज्यादा मस्जिदें हैं जहां हर रोज 5 दफा जो कहा जाता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सबसे बड़ा अल्लाह सबसे बड़ा अल्लाह सबसे बड़ा अल्लाह, ये एक ऐलान है जो दुनिया में इतना और कोई भी नहीं दोहराया जाता। और बिला शुबा, हालांकि अमेरिका ईसाइयों का मुल्क है, सरकारी मजहब वहाँ ईसाई है, गो के हुकूमतों पर तो यहूदी काबिज हैं कमबख्त, उनके अपने शरारतों की वजह से और क्या होती है जो साजिशें होती हैं, तो वहाँ अमेरिका, सारा यूरोप ईसाइयों का मुल्क, और उनका कलमा कौन सा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु ईसा रूहुल्लाह, जो था अब ये कलमा नहीं, लेकिन वो यही पढ़ते हैं। लेकिन वहाँ भी आप चले जाएं, जो हर वक्त अजान आती है उनकी किसी मस्जिद या गिरजे में, अशहदु अपने अशहदु अन्ना ईसा रूहुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई कलमा वहाँ नहीं होता, वहाँ भी हर वक्त जो अजान गूंजती है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभानअल्लाह। मेरे भाइयों, हकीकत यह है कि हम अपने नबी को भूल गए, वरना खुदा की कसम उस वक्त यहूदियों का क्या, उलमा तशरीफ फरमाए हैं बुखारी शरीफ में, 3 दफ़ा तो तफसील के साथ ये वाक्य आया है, थोड़े थोड़े इशारे तो बार बार आए हैं, क्या कहे नामदार हुजूर पुरनूर जब हिजरत करके गए हैं तो वहाँ 2 बड़े कबीले थे, एक खजरज का कबीला और एक औस का, औस के सरदार सईदना साद इब्ने मुआज थे, और खजरज का कबीला वो हजरत साद इब्ने उबादा थे, और भी हर हर कबीले के सरदार होते थे, लेकिन ये 2 बड़े कबीले होते थे। तो उनमें से हजरत साद इब्ने मुआज ने आका से अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अगर आप इजाज़त दें तो मैं मक्के, मेरी ताइफ में कोई ज़मीनें भी हैं और मक्के में के करीब भी हैं, तो मैं ज़रा ज़मीनों का ख्याल भी करके आऊँ और मैं ज़रा उम्रा भी करके आऊँ। हुजूर सब ने इजाज़त दे दी। अब वो सरदार थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो चुके थे, लेकिन पहले रिश्तेदारियाँ भी थीं और दोस्तियाँ भी थीं। मक्के के सरदार अबू जहल थे,
उमैया इब्ने खल्फ थे, उबैया इब्ने खल्फ थे, उतबा शैबा थे, ये बड़े बड़े सरदार, अबू जहल यानी अबुल हकम उनके सबसे बड़े चीफ जस्टिस थे और ये उनके बाद सबसे बड़ी सरदारी इनकी थी। तो वहाँ गए तो इनका ताल्लुक उमैया इब्ने खल्फ के साथ ज़्यादा था, वही ठहरे। उमैया भी जब अपनी शाम की तिजारत को जाता था तो मदीना मुनव्वरा के पास से गुजरता तो उन्हीं के पास ही ठहरा करता। तो ये जब वहाँ गए तो उमैया इब्ने खल्फ उनका कैफ जेता या आखिर भाई कैसे आए हो? उनका उरीदन आता मेरे उम्रा करने के। उनका वो भाई बड़ी मजबूरी है, अब आप मेरे हैं तो दोस्त लेकिन उम्रा अगर करवाने के लिए मैं तेरे साथ एजाज़ के तौर पर काबे में गया और उधर हमारे बड़े सरदार उनके बकौल और नाम मुराद जिनको मैं हम अबू जहल कहते हैं वो तो अबुल हकम कहते थे, चीफ जस्टिस सरदारों का सरदार, तो उसने अगर देख लिया तो बड़ा गुस्से होगा कि हमारे दुश्मनों को तू यहाँ। तो उन्होंने कहा चलो थोड़ा इस तरह आराम कर। जैसा दोपहर हो गया तो दोपहर अरब के अंदर सख्त गर्मी होती थी, वहाँ कोई उस वक्त जागता हुआ नहीं नजर आता था, सारे सो जाएंगे तो चुपके से मैं तुझे तवाफ भी करवाऊँगा और सफ़ा मरवा भी। तो चलो भी ठीक है। अब वहाँ गए तवाफ कर रहे थे, वो कहीं खुशकिस्मती हज़रत साद इब्ने माज़ की और बदकिस्मती उनकी, वो ना मुराद अबू जहल आ गया था। भाई इन्होंने सोचा था वो कमबख्त सोया हुआ होगा, वो अब वो भी जानता था कि साद इब्ने माज़ कौन है। तो उमैया से पूछता है मैं तो फादल बैत ये काबतुल्ला का तवाफ कौन कर रहा? तो जवाब उसने देना था ना, उसने ऐसा से कहा तो था हज़ा अख़ीर यसरबी, ये यसरब से आया हुआ जो अलमदीनतुल मुनव्वरा, यसरब ये पुराने ज़माने का नाम है जिसका माना था वबाओं और बलाओं की जगह, बहुत ही वहाँ बीमारियाँ होती थी। खैर तो उनका अभी कहीं पाया था कि खुद साद इब्ने माज़ ने कहा आना साद इब्ने माज़ सैयद अलौस औस का सरदार हूँ मैं। उनका अच्छा अततूफ हादल बैत आमिरन वक़त आवैतु मुहम्मदन वसाबहु, बड़ा तू अमन से यहाँ काबतुल्ला का तवाफ कर रहा है और हमारे मुखालफों को आका नामदार का नाम मुखालफा और उनके साहबे कराम को तुमने हमारे दुश्मनों को वहाँ ठहराया हुआ। सुभान अल्लाह, वैसे ही सरदार थे लेकिन अब तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी साथ था। तो उन्होंने कहा कि अना अतूफ बैतल्लाह ला बैतक, मैं अल्लाह के घर का तवाफ कर रहा हूँ, तेरे घर का तवाफ नहीं कर रहा हूँ। तो फिर उसने कहा कि अच्छा, तो फिर हजरत साद इब्ने माज़ गुस्से होंगे। उन्होंने फरमाया इदा अंता मनाता नहीं लैनी अना मना अन्ना कला अशद्दा मिन हो, अगर तूने मुझे काबतुल्ला के तवाफ से रोका तो मैं भी मदीने का सरदार हूँ और तुम्हारी तो सारे रोजी पानी जो है वो शाम की तिजारत पर है और शाम का कोई रास्ता मदीने के बगैर तो है नहीं, तेरी मैं टांगे तोड़ूंगा वहाँ। ये कह रहे थे कि उमैया इब्ने खल्फ ने ये बात कही कि या साद अंता अखी लाकिन ला तरफा सौतका अला सैयद हाजर वादी, तू मेरा दोस्त ज़रूर है लेकिन हमारे सरदार साहब के सामने इतनी बुलंद आवाज़ से बात ना कर। वो ये कहना था कि साद इब्ने माज़ ने फरमाया कि दानियन का चल रहे उमैया दफा हो जा। हाँ हालांकि घर उनका इलाका उनका और सुभान अल्लाह अल्लाह का नाम है और मोहम्मद रसूलल्लाह का गुलाम है, तो वो कहते हैं कि मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे घर अब ठहरूंगा भी नहीं। इन्नी आना सुने तो मैंने अपने आका से सुना था कि ये जो उमैया इब्ने खल्फ है ये मेरे सहाबा के हाथों मारा जाएगा। अच्छा अब वो अब बेचारों को मैं क्या कहूँ, हमारे भाई तराना पढ़ रहे थे और अल्लाह की कसम ये फसाहत और बलागत का एक मुरक्का था, शायद उलमा को भी अच्छी तरह समझ नहीं आया हो कि है आज़म हुसैन अहमद से बपा हंगामा गिरो गार गिरोदार यहाँ शाखों की लचक बन जाती है बातिल के लिए तलवार यहाँ, इसका क्या मानना भाई? तो लेकिन जो जानते हैं वो जानते हैं कि हुसैन अहमद क्या था, हुसैन अहमद क्या था, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और ये जब इन पर मुकदमा चला है खालिक दीना हाल में, तो जस्टिस जो बहुत बड़ा जस्टिस और जज था वो अंग्रेज़ था, तो जब उन्होंने कहा तूने फतवा क्या दिया है, उन्होंने कहा मैंने फतवा दिया है कि अंग्रेज़ की फ़ौज में मुसलमानों का भर्ती होना हराम है, मुसलमानों के खिलाफ लड़ना हराम है। तो उसने जब ये कहा कि जानता है फिर इस फतवे का
जवाब क्या होता है, सजा क्या होती है, उनका क्या होती है, ये क्या है। तो वहाँ तोप खड़ी थी, तो जैसे वो गुस्से होते थे तोप के सामने बांध के उनका बोटी बोटी कर देते थे, उनका जगते ओह। तो सेनान बद्री ने फरमाया अपने कारी असगर साहब उनके खादिम थे, उनका वो मेरा थैला लेकर आओ। वो थैला लेकर आए, अंदर से जो चादरें निकाली और कहा जज मेरे सामने ऐसी बात न करना, तू ये मुझे डरा रहा है, मैं देवबंद से चलते हुए कफन की चादरें साथ लाया। तो ये मोहम्मद के गुलामों का ये मामला था, और ये तो बेचारे, मैं तो खादिम के भी खादिम के भी खादिम कहूँ, खादिम आका हैं वो, आकाओं के आका है मदीना। सुभान अल्लाह। जब खादिमों का ये मामला था, आपको पता है जापानियों ने जब और आपके जर्मनी वालों ने जब अपने ज़िराती मामलात जो हैं, तो देखे भी कहाँ से खेती बाड़ी का अच्छा, तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला की किताब उन्होंने लिखी, तो ज़रात के वो अहकाम, तो उन्होंने जर्मनी और जापान में इमाम साहब के लिखे हुए शागिर्द, हाँ इमाम अबू यूसुफ ने, इमाम मोहम्मद इब्न हसन शैबानी, उनकी लिखी हुई किताब को अपनी ज़रात के अहकाम का मुरक्का बना दिया, और बाद में 300 से ज़ायद वो साइंसदान, वो उनके जो ज़िराती माहरीन बैठे थे वो सारे मुसलमान हो गए। जब पूछा कि किताब लिखने वाला कौन, उन्होंने कहा मोहम्मद इब्न हसन शैबानी, ये कौन, उन्होंने कहा ये अबू हनीफा का शागिर्द, वो कौन, वो हजरत हम्माद का शागिर्द, वो कौन, वो इब्राहिम नखी का शागिर्द, वो कौन, उन्होंने कहा वो अलकमा का शागिर्द, वो कौन, वो अब्दुल्ला इब्न मसूद का शागिर्द, और वो कौन, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का शागिर्द। तो मुसलमान हो गए ये कहते हुए कि जब छोटे मोहम्मद का ये हाल है तो बड़ा मोहम्मद कैसा होगा। सुभान अल्लाह सुभान। तो हजरत साद इब्न मुआज़ ने जब ये कहा मैंने आका से ये सुना है, उमैया जो आज तू मुझे कह रहा है कि अबू जहल के सामने आवाज बुलंद न कर, मैंने तेरे मुतल्लिक आका से सुना था कि तू कत्ल होगा सहाबा के हाथ। उसने ये नहीं कहा कि मेरे जैसा होता पागल कि क्या बकवास बक रहे हो, कहाँ पिद्दी का शोरबा मक्के में, और मैं मुझे तो धमकियां दे रहा है। उन्होंने कहा कि अफी मक्का, वो तेरे मोहम्मद ने मक्के के मुतल्लिक कहा था, लाद रही है मुझे पता नहीं, अब तस्ताजियो भी वन तखील यसरवी, मेरा यसरवी दोस्त होकर मजाक कर रहा है। उनका ला वल्लाहि नी ला अस्तहज़िउ बिका वलाकिन समितु मिन उज़निय्या बिफी रसूलिल्लाह, मैंने अपने गुनहगार कानों से आका नामदार की मुबारक जुबान से सुना और वो फरमा रहे थे। बस ये सुनना था कि उमैया इब्न खल्फ़ आका का दुश्मन, सहाबा का दुश्मन, दीन का दुश्मन, वो घर गया और रो रहा। बीवी पूछती है लिमा तब की, क्यों रो रहा है, अंता सैयदु हाज़िल वादी, मक्के का सरदार, कभी रोते हुए नहीं देखा, रो रहा। बेटे पूछते हैं बाबा कभी नहीं रोया, खैर, नहीं कोई जवाब। ओहो, जब उन्होंने परेशान हो गए तो उन्होंने अबू जहल को बुलाया, उत्बा शैबा को बुलाया, पूछो। उन्होंने आकर पूछा अंता सैयदु हाज़िल वादी, ओ मियां मोम भैया इतना बड़ा सरदार आज तक तुझे रोते हुए नहीं देखा। तो वो अबू जहल को कहता है या अबुल हकम अमा समेत अमा काल अखी अल यसरवी, तूने सुना नहीं है मेरे यसरब से आए हुए दोस्त ने क्या कहा, क्या कहा, इन्हम कातिलीन, वो मुझे कत्ल करेंगे, उमैया कह रहा। तो उसने किसका हवाला दिया, उन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने कहा वो मोहम्मद ये जो तेरा दोस्त है वो तेरा अब भी दोस्त है या मजहबी दुश्मन है, उन्होंने कहा जी अब तो खैर मजहबी दुश्मन है, वो मोहम्मद तेरा दोस्त है या दुश्मन है, उन्होंने कहा वो भी बड़ा दुश्मन है। तो उन्होंने कहा कि या अय्युहल अहमक कहीं तो या अय्युहल सुकला, ओ पगले कहेंगे ये दुश्मन धमकियाँ दिया करते हैं, तो मोहम्मद की धमकियों में आकर रोने लग गया। तो मेरे पक्के पेड़े रजिस्टर्ड मुसलमानों, जो उस काफिर ने जवाब दिया वो आज अपने दिल में बसा लो, वो उमैया इब्न खल्फ जो दीन का दुश्मन, अबू जहल भी दीन का दुश्मन, मोहम्मद का भी दुश्मन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदकिस्मती से वो कहता है कि आवा जहल, अबू जहल ठीक है अंता अदुवहु, तू भी मोहम्मद का दुश्मन, उमैया कहता है कि वो भी दुश्मन, तूने भी जिंदगी भर में उनके रास्ते में कांटे बिछाए, उमैया कहता है कि
अपने मुतल्लिक के, वो और उसकी बीवी ने भी कांटे बिछाए, लेकिन अबू जहल एक बात को तू भी जानता और मानता है और मैं भी जानता और मानता हूँ कि जो बात मोहम्मद की जुबान से निकलती है वो कभी झूठी नहीं है। सुभान अल्लाह, हाय काश के आज ये हमारा अकीदा बन जाता कि जो बात मोहम्मद की जुबान से निकलती है वो कभी झूठी नहीं हुआ, और अल्लाह की कसम झूठी नहीं हुई। वरना आपने कई दफा सुना, काबिर से सुना, इंसान की जिंदगी के चार अहवाल हैं, जागते हुए, सोते हुए, जानबूझकर, भूलकर। जागते हुए बड़े से बड़ा कोई आदमी तकरीर करे, बहुत अच्छे मौलाना मसरूर साहब जैसे इबन अमीर अजीमत और जो भी बाकी हजरात, लेकिन सोए हुए तो शेखुल हदीस साहब के पास भी कोई गुजरेगा तो कहेंगे उस्ताद जी हम आपके पास से गुजरे थे, कुछ बड़बड़ा रहे थे, अब हमें समझ नहीं आ रहा। सोए हुए जरूरी नहीं कि बात उस अंदाज की, चाहे सिद्दीक अकबर भी क्यों ना, हालांकि सदाकत का मुजस्मा है, जानबूझकर बयान कर रहे हैं तो सुभान अल्लाह मोती बिखेर रहे हैं, लेकिन भूल कर तो कभी। सिद्दीक अकबर से रिवायत में आता है, सीधा उमर से कह रहे हैं कि उमर इन्हीं नसीब मैं भूल गया था, माफ करना। भूल कर लेकिन एक आका है कि जागते हुए बोलेंगे तो कुरान की तरह सच, सोए हुए बोलेंगे तो कुरान की तरह सच, जानबूझकर बोलेंगे कुरान की तरह सच, भूल कर जुबान से जो निकलेगा वो भी कुरान की तरह सच। सुभान अल्लाह, है काश कि हम अपने उस नबी को नबी मानने वाले हो। मेरे भाइयों, मैं पहले अर्ज कर रहा था हजरत लाहौरी का हवाला देकर के मौली साहबान बयान करते वक्त कभी ना आना कि हमने बड़ी तकरीर की, नहीं, तुम डाकिए हो, तुमने पैगाम पहुंचाना है अल्लाह और अल्लाह के रसूल का। डाकिए से नहीं पूछा जाता कि तू कौन है, बाद दफा जिसको पैगाम पहुंचाया जा रहा होता है वो सैयद होता है और पैगाम पहुंचाने वाला वो बेचारा कसाई होता है, लेकिन देखा यह जाता है पैगाम सही पहुंचा रहे हैं या नहीं। तो भाइयों, ये अल्लाह का करम है कि उसने हमें अपना कुरान और अपने नबी के इरशादात पहुंचाने के लिए कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह, वरना कहने वाला कहता है कि मिन्नत बने कि खिदमत सुल्तान हमें को नहीं, मिन्नत अजो शनास के ओ बखिदमत गुजाश दस्त, ओ बादशाह के नौकर कभी ये ना कहना कि मैं बादशाह का नौकर हूँ, ये बादशाह का एहसान है कि उसने तुझे नौकर रख लिया है। और दुनिया के बादशाह तो मुस्लिम भी होते हैं, गैर मुस्लिम भी होते हैं, अकलमंद भी होते हैं, पागल भी होते हैं, लेकिन ये तो बादशाहों के बादशाह का कलाम है जो हम आज पढ़ रहे हैं। काश के हम खुद उलमा भी कदरदानी करने वाले। तो हजरत फरमाते थे कि कभी बयान करते वक्त और अल्लाह की कसम इस जगह पर बैठने पहले सोचना पड़ता है कि या अल्लाह मेहरबानी करके हमें सही इस्तेमाल करना, हमारी जुबान से कोई ऐसी चीज ना निकल जाए कि जिससे तेरे मखलूक तेरी मखलूक की कोई खुदा ना खास्ता बेइज्जती हो। नहीं, अल्लाह के नबी का पैगाम है भाइयों। वक्त होता तो मैं आपको बयान करता, लेकिन एक मेरी आदत है, ये हजरात भी जानते हैं कि मैं क्या करूं, रकीबों के डर से हबीबों को नहीं छोड़ा जा सकता। रकीब दुश्मन को कहते हैं, मद्दे मुकाबिल को कहते हैं। हजरत हुज़ाफ़ा अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफ़ा सामने गिरफ्तार हो गए, 400,000 फौज के साथ टक्कर है, चंद एक आदमी गिरफ्तार हो गए, अमीर थे लश्कर के, तो हालांकि कई मर चुके थे उनके ये बेचारे, कुछ सहाबे कराम वो पीछे महफूज जगह में पहुंच गए, तो ये गालिबन 12-13 आदमी थे, ये गिरफ्तार हो गया। तो बादशाह ने मालूम किया कि ये कमांडर है, तो पहले उसने कहा कि मोहम्मद को छोड़ दे। ओह, हंस पड़े कि मोहम्मद, उधर मैं मोहम्मद भी कहूँ और फिर कहूँ कि छोड़ दे, उधर मैं अल्लाह भी कहूँ और फिर अल्लाह को छोड़ दे, ये कलमा हमने छोड़ने के लिए नहीं पढ़ा है। हाँ जी, दुनिया सारी ने कितनी टेल लगा ली, तो क्या मौलाना जगवी जो है वो अपने मकसद से हट गए थे? तो एक मोहम्मद के दूर के गुलाम को कोई नहीं हटा सकता, तो जिसने बिला वास्ता मोहम्मद रसूलल्लाह को देखा है तो हंस रहा है, उसने कहा तू ऐसी बात न करना, आका वो मेरे आका है। तो आखिर उसने बड़ा
कहा कि वो भले आदमी, पता है तू अगर मोहम्मद को छोड़ेगा तो मैं अपनी बेटी निकाह में दे दूंगा, बादशाह की बेटी, और मैं तुझे हुकूमत में शरीक करूंगा। तो फतूह शाम में भी, फतूह मिस्र में भी उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा कि तू एक बेटी की बात करता है, तेरी कई बेटियां होती, तो एक हुकूमत की बात करता है, इस जैसी 100 हुकूमतें हों, और फिर तू ये नहीं कि मोहम्मद को छोड़ दे, तो ये मुतालबा करे कि जितनी देर में आँख झपकती है उतनी देर में मोहम्मद का ख्याल छोड़ दे। खुदा की कसम मुझे तो सैकड़ों हुकूमतें दे, मैं आका का ख्याल भी नहीं छोड़ा। अल्लाहुम्म रज़ुकना हुब्बका व हुब्ब हबीबिक। हाय, तो उस वक्त वो गुस्से हुआ, उन्होंने कहा अच्छा, तो तेल मंगवाया, पानी डाला, बड़ा कड़ा मंगवाया, तो तेल और पानी मिला हुआ उबला हुआ, इतना अंगारे नहीं नुकसान पहुंचाते जितना उबली हुई चीज अगर डालो तो फौरन चमड़ा उखड़ जाता है। दो सहाबा को उठाया, उनके साथियों को अंदर ही डाल दिया, जालिम लोग, बोटी बोटी ना हो, देख लिया, उनका हाँ देख लिया, तो तेरे साथ यही होगा। तो उस वक्त उनकी आंखों में आंसू, रो रहे हैं। उस पागल को क्या था, उन्होंने कहा अच्छा रो रहे हो, नहीं नहीं मैं तो अभी करता नहीं हूँ, अगर तू मान जाए तो फिर नहीं मैं करूँगा। तो उनका अजीब जवाब था, हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा सामी ने कहा कज़ब तादू अल्लाह, अल्लाह के दुश्मन तूने मुझे रोने को नहीं देखा, मैं रो इसलिए नहीं रहा था कि मैं अभी इसके अंदर डाला जाऊँगा और मर जाऊँगा, रो इसलिए रहा था कि या अल्लाह आज ही तो तेरे प्यारे मोहम्मद के साथ मोहब्बत का इनाम था, और जान मेरी एक ही है जो जल्दी ख़त्म हो जाती जाएगी, काश तू मुझे 1000 जाने देता और मैं बार बार आका के लिए वो जाने कुर्बान। उस वक्त वो झुका तो उसने कहा बे लो भाई ये तो कोई पता नहीं कहाँ का बना हुआ है। उसने कहा बहुत अच्छा, फिर मुझे फकत सजदा ही कर, अल्लाह सजदा फकत अल्लाह के लिए, ये नहीं। उनका अच्छा चलो मेरे सर को बोसा दे। तो उन्होंने कहा ये भी मैं करना तो नहीं, लेकिन अगर तू मेरे सारे साथियों को छोड़ दे तो चलो मैं बोसा दे दे। उनका ठीक है, फकत उन्होंने सीधा खड़े होकर बोसा दिया, सारे सहाबा कराम को छुड़वाया। उधर फारूक आजम को बाजों ने कहा कि इत्तला मिली, और बाजों ने कहा कि ख्वाब में उनको इत्तला मिली। फारूक आजम ने सारे मदीने वालों को जमा किया कि मेरा कमांडर आ रहा है, उसका इस्तकबाल करना। मदीने से बाहर उनका इस्तकबाल हुआ और हजारों मदीने वालों को कहा कि सारे अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफ़ा सहमी के सर को बोसा दो, क्योंकि आज उसने अल्लाह के नबी की मोहब्बत और अजमत के लिए एक काफिर के सर पर बोसा दिया। मेरे भाइयों, आज हम हैं, हम हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, दिल से पढ़ोगे तो एक दफ़ा पढ़ने से आका ने फरमाया कि जन्नत में दरख्त लग जाए। ये जो आपने सुबहानल्लाह व बिहम्दी सुबहानल्लाह अज़ीम पढ़ा है, इस पर भी आपका दरख्त लग चुका है। अब इस जहान में कैसे बतलाऊँ, पता नहीं मौलवी भी तस्लीम करे या ना करे, दिल के एतबार से रसूलल्लाह ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह गर्तुम फिल जन्ना, सुबहानल्लाह गर्तुम फिल जन्ना। जो इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त कर दे जाएगा। अब फिर पूछते हैं तदरूना मशा, जरा मेरे साहबा जानते हो जन्नत का दरख्त कौन सा है, कहते हैं अल्लाह व रसूलु आला। अब जाहिर बात है बड़ा अहम किस्म का सवाल है, दरख्त कौन नहीं जानता। तो आका जो इतना फरमा रहे हैं तो कोई नुकता होगा, या रसूलुल्लाह अल्लाह जानते हैं, अल्लाह ने आपको बतलाया। तो लफ्ज़ ये हैं कि वल्लाही लदी नफ्स मुहम्मद बियदिही, मैं मुहम्मद सारे कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वैसे ही सच्चा हूँ, लेकिन मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि वो एक ला इलाहा इल्ला पर इन हमारे खुश नसीब बच्चों ने कितने दफ़ा दरूद पढ़ा, कितने दफ़ा कलमा पढ़ा, अल्लाह आपको और हम सबको नसीब फरमाए, कितने दरख्त लगे। फरमाया कि जो एक दरख्त लगता है, वल्लाही लदी नफ्स मुहम्मद बियदिही लव राकिब रजुलुन ला जवादिन वसारा मियता आम ला यक्तौ दिल्लहा, मैं मुहम्मद कसम खा के कह रहा हूँ
कि कलमा पढ़ने पर बहुत रक्त लगता है कि अगर कोई अरबी घोड़े पर सवार होकर 100 साल तक उसको चलाए तो घोड़ा थक हार के मर जाएगा, जन्नत के एक दरख्त का भी साया नहीं खत्म। सुभान अल्लाह तो कह रहे हैं लेकिन क्या मानते भी हैं? ओ नहीं ओ मियां, यही जहान मिठा अगला कह डिठा, यही जहान मिठा। आका फरमा रहे हो कमला तूने नहीं देखा, मैं नबूवत की आंख से देख कर आया हूँ, जहान तो है ही अगला, जहान तो है ही अगला। हालांकि दुनिया में देख रहे हैं, हर एक देख रहा है, इतनी सी उछड़ी वो दबा रहा है, चंद दिनों के बाद थोड़ा सा लुकता 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 लुकता। हमारे घर में खजूर थी कौन सरगाने में, मुझे याद है लोग कहते थे भी इस पर हम तो खैर नहीं चढ़ सके थे, वो तकरीबन कोई 60-70 फुट ऊंची थी, उस पर चढ़ता रहा अहमदपुर सियाल नजर आता। तो एक छोटी सी खजूर की गुठली, उससे अल्लाह वो कुछ बना रहा है जिसके मैं पत्ते भी नहीं गिन सकता हूँ, कितनी उसकी छड़ियाँ। फिर हर साल अल्लाह के फजल व करम से उस पर 30 से 40 खोशे, और हर खोशे पर हजारों खजूरें, और हर खजूर में लाखों खजूरें। तो जो अल्लाह इतना सब कुछ दे सकता है तो क्या जन्नत में ऐसा दरख्त नहीं होगा? लेकिन माने कौन? अगर ये मुसलमान मानता होता तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की शक्ल बिगाड़ता। मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं और शक्ल अंग्रेजों की। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं नऊज बिल्ला, और मैं किसी को हकीर भी नहीं समझता हूं। माग में दाढ़ी की बुनियाद पर किसी से बड़ा बन जाऊं, और माग बेचारा कोई दाढ़ी में जहालत की बुनियाद पर मुड़ाकर बैठा है, और मैं कहूं ये मेरे से कम नहीं, नहीं। मुमकिन है उसके दिल का ईमान उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, उस बेचारे को पता नहीं है। वरना बुजुर्गों ने लिखा है दाढ़ी का मुड़ाना जिना से ज्यादा गुनाह है, शराब से ज्यादा गुनाह है, क्योंकि जिना और शराब आर्जी गुनाह है। जब हटेगा लिख दिया गया, सच्ची तौबा कर ली अल्लाह मिटा देता है। लेकिन इधर अल्लाह के नबी की शक्ल की मुखालफत करके तवाफ कर रहा है, फरिश्ते कह रहे हैं अलम तस्ताहिये, तुझे हया नहीं आ रहा, जिसकी नकल उतार रहा है उसकी शक्ल तो तुझे पसंद ही नहीं, मुझे बढ़ाएगा। तो भाइयों, खुदा का वास्ता है, अल्लाह की कसम मैं आपका हकीर हूँ, मैं आपके पांव पकड़ने के लिए तैयार हूँ। आज इस मुबारक मजमे में खड़े होकर ऐलान करो कि आज के बाद हम आका की शक्ल बनाएंगे। अल्लाह की कसम, बुजुर्गों ने लिखा है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत में दाढ़ी का वादा करेगा अल्लाह का नबी उसे जहन्नम में कभी नहीं जाने। अल्लाह के नबी की दुआ कौन लेता है? मुझे पहले तो यही मेरे दोस्त बैठे हैं, ये तीनों इमाम अभी उठेंगे इंशाल्लाह, नबी पाक को अभी फरिश्ता जाकर इत्तला करेगा। नबी पाक जिंदा हैं, फरमा रहे हैं मन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्री समेत हूँ अमन सल्लाबू, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसा हूँ जो मेरा उनकी ईमान और अदब के साथ मेरे रोज़े पर आकर दरूद सलाम पढ़े, मैं नबूवत के कानों से खुद सुनता हूँ। अमन सल्लाबू, और जो इंसान ईमान और अदब के साथ कहीं दुनिया में पढ़े तो इन मलाइकतन सियाहीन, करोड़ों फरिश्तों की ड्यूटी लगी हुई है कि वो उसका सलात व सलाम नामिनेट करके मुझे पहुँचा देता है। तो एक दरूद मौजूद है, अल्लाहुम्मा अबलिग मिन्ना सैयदना मुहम्मदिन सलाम वर्दुद अलैना मिन सैयदना मुहम्मदिन सलाम, या अल्लाह हम मिस्कीनों का सलाम आका को पहुंचा दे और आका का जवाबी सलाम भी हमारे लिए कबूल फरमा ले। तो जो आज तौबा करेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके लिए हाथ उठा के दुआ करेंगे, और अल्लाह के नबी के उठे हुए हाथों को अल्लाह कभी भी नहीं वापस मोड़ते। शाबाश, पे खड़े हो जाए ना बाबा जी, तेरे तुम्हें तो बढ़ानी है, मैं तीन दोस्तों को कह दूँ उम्मीद अभी अल्लाह के नबी को खुश करें। शाबाश, खड़े रहना, खड़े रहना, अल्लाह की कसम फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे। आशे के मोहम्मद ये है, अगर मुझे इजाज़त दें मैं अल्लाह की कसम इनके पाँव चूमने के लिए तैयार। ये आशे के मोहम्मद है, उठो मेरे दोस्तों, कल इन शेवों से याद कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा है तो दूसरा काम भी कर। शाबाश, खड़े हो जाओ, अभी फरिश्ता जाके आका इनामदार को पहुंचाएगा। ये तुम्हारे जामिया महमूदिया के जलसे के मकबूल होने की अलामत है, लो ये भाई देख रहा हूँ।
खड़े होकर मेरे भाई खड़े होकर क्या बस और खड़े हो वो इतने बड़े मजमे में मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ मेरे भाइयों, मेरे मेरे ड्यूटी यही है कि मैं आका से टूटे हुओं को आका से साथ मिला रहा। ये पीछे बाबा बैठा है नंगे सर, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, अगर ये भी खड़ा हो जाए तो सुभान अल्लाह। ये ऐनक वाला जो पीछे देख रहा है, ये बाबा जी मुझे नजर आ रहे हैं, शाबाश खड़े हो जा। उसके पीछे एक बाबा बैठा है टोपी वाला, शाबाश खड़े रहना खड़े रहना। अल्लाह की कसम इस वक्त अल्लाह के नबी खुश है, अल्लाह के नबी खुश है। पीछे एक बाबा बैठा है उनको भी दरख्वास्त कर रहा हूँ, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है इसी बाबे के पीछे, ये टोपी वाला बाबा बैठा है, शाबाश। नहीं आपकी तो फिर भी है, पढ़ाना आसान है। ये आप थोड़ा सा बाबा जी इधर हटे, एक पीछे मुझे है ना, ये इसकी तो पहले से दाढ़ी है माशाल्लाह। चलो मुझे गलत फहमी हो रही। हाँ भाई और शाबाश भाई, आप लोगों ने मुझे मुसाफा जरूर करना है, क्योंकि आप जनती हैं मेरे, आप इंजन बन गए हैं, और मेरे जैसे टूटे फूटे छकड़े को जन्नत में ले जाना है आपको। सुभान अल्लाह। हाँ जी हाँ बिल्कुल, खड़े हो जाओ भाई खड़े हो जाओ, और 40 आदमी तो पूरे करो यार इतने बड़े मजमे में। आका इनामदार की रूह खुश हो जाएगी, ये हमारा भाई बैठा है, कमाल हो भाई। मेरे चांद उठो नबी पाक को खुश करो, साथ पीछे बनियान वाला, वाह वाह। जंगलियों के तो मुतलक मशहूर है कि इनके दिल बड़े जरखेज होते हैं, यहाँ तो छोटा सा बीज बड़ा जल्दी उगाता है भाई। नाम लिखना है इनका, मौलवी साहब नाम लिखना है, चंदे वालों का नाम लिखते हो इनका लिखना, मैं इनको मदीने की टोपियाँ भिजवाऊंगा, मदीना मुनव्वरा की टोपियाँ भेज। मैं तो खैर आपका नौकर हूँ मेरे भाई, मेरी क्या हैसियत। लो जी ये सामने बैठा अल्लाह का बंदा, और लोग दबला है भाई, बच्चा बगल में और डंडोरा बाजार में, वाह वाह। हाँ ये असल कदर जो है वो असल बरकत इन बुजुर्गों की है, मेरी पीठ इन्होंने मजबूत की हुई है, वरना मैं तो मेरे भाई अल्लाह मेरे हाथ में गधे पकड़ा देता तो मैं क्या कर लेता। इन बच्चों ने जो मामला है वो भाई वहीं खड़ा कोई लिख लो, कोई ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं जो मुझे नहीं नजर आ रहे और खुदा ना खास्ता उनकी वर्दी नहीं है, तो मैं यहाँ आके उनके पांव पकड़ता हूँ, मुझे बतलाओ बिल्कुल। माशाल्लाह वाह वाह के वाह, वाह वाह के आगे जाकर भी नाम लिखो, अगर इन्होंने आज अमन गंदम का कहा होता तो सारे मौलवी उठ के पहुंचे। माशाअल्लाह अल्लाह आप हजरात को मकबूल और मंजूर फरमाए, और अल्लाह चमन को क्यामत की सुबह तक आबाद भाई। नाम लिखते जाना सारे बार, इनका पता भी लिखते जाना, अगर कोई ऐसे दूर रहते हैं मैं टोपी इंशाल्लाह TCS के जरिए से भिजवा दूँ, कोई मसला नहीं है अल्लाह के फजल से। आप लोग पगड़ी बंधवाया करें, गोलियों से ज्यादा सवाब इनका है। हाँ बेशक इनका एक मुस्तकिल जलसा रख दो, मैं खुद आके इनको पगड़ी बंधवा जाऊँ। हमारे सब आए हैं वो आसिफ नहीं है, हमारे आसिफ अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बारकल्ला भाई, नाम लिखवाओ शाबाश। इधर मेरे बेटे बैठे हो, अल्लाह के नबी को राजी करो, अगर फैज़े मोहम्मद आए जिसका जी चाहे। ये सामने टोपी वाला बैठा है, पीछे देख रहा, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। ये सामने पीछे भी बना के बैठा है, पीछे भी मुझे उसकी नजर आ रही है, मुझे दाढ़ी नहीं नजर आ रही। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल उठ रहा है, उठ रहा है अल्लाह के फजल से। मेरे आगे एक बैठा है बुजुर्ग, हाँ ये माशाल्लाह वाह 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 वाह, शाला जवानियां माने, शाला जवानियां माने। सोच रहे होंगे ये बड़ा पागल किस्म का बोल भी आ गया है भाई, ऐसे चंदे भी मांगता है ये भाई। हम तो यही कुछ मांगते हैं अल्लाह जाने, उम्मीद है अल्लाह तो मेरे बेटे तू खड़ा हो जा, तेरे लिए तो बढ़ानी है थोड़ी सी, ये दोनों जो बैठे हो। हाँ शाबाश, बढ़ानी आसान है अल्लाह के बंदे,
शाबाश, वाह वाह। अच्छा अभी अदरा है करम ना, अभी दुआ मांगनी है, ये आप अदरा दो, मेरे से हाथ लगवा देना, पगड़ियाँ खुद मांग, मैं बच्चे देर हो गई है। हाँ इधर, हाँ भाई ये जो हजरात जिन्होंने तौबा की है ना, वो आके मुझे जरा इधर मुसाफा करके इधर से एक एक तरतीब के साथ। अब आप हजरात के सामने उन तमाम खुश नसीब उलमाए कराम की दस्तार बंदी करवाई जा रही है जो इस साल जामिया महमूदिया से फारिग तहसील हुए। मौलवी मोहम्मद उस्मान गल्द मोहम्मद हनीफ रुडू सुल्तान जिला जम, मौलवी मोहम्मद मुनीर साहब गल्द गुलाम यासीन अहमद पुरसियाल जिला।